हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका, मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं टमाटर और प्याज की बहुत ही चटकदार चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बिल्कुल आसान है और ये ऐसी चटनी है जिसे हम रोटी, चपाती के साथ, समोसे, पकौड़े, इडली के साथ खा सकते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए चलिए हम फटाफट इसे बनाना शुरू करते हैं। चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हमने गैस पे एक कढ़ाही रख लिया है। कढ़ाही में हम आधा चम्मच तेल डालेंगे, तो आप जो भी तेल खाते हैं वो डालिए। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे और इसमें हम डालेंगे एक चम्मच साबुत जीरा। जीरा को हम हल्का सा चटकने देंगे, आप सुन सकते हैं हल्का सा अपना जीरा चटकने की आवाज आने लगी है। हमें बिल्कुल जलने नहीं देना है जीरा में, केवल सौंधी स्वाद आने के लिए हम डालते हैं, तो हल्का सा ब्राउन होने देना है। इसमें हम डालेंगे दो प्याज जिसे हमने स्लाइस में काट रखा है। ये प्याज ज्यादा मोटा पतला का कोई ये नहीं है, इसे हम नॉर्मल काट लेंगे और तेल में सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। तो हमें प्याज भूनने में 3 से 4 मिनट तक लग सकता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है चटनी बनाने में। तो चलाते हुए हम प्याज को सॉफ्ट कर लेते हैं। प्याज के साथ हम डालेंगे 10 से 12 लहसुन की कली जिसे हमने छिलके हटा के ले लिए हैं, और यहाँ पे 8 से 10 हरी मिर्च भी डाल देंगे। उन्हें भी हमें तेल में भून लेना है, तो आप अपने तीखा के अनुसार डालिए। वैसे तो चटनी चटपटी ही अच्छी लगती है, तो मिर्च की मात्रा होनी ही चाहिए। अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से भूनेंगे। आप देख सकते हैं हमने प्याज, लहसुन, मिर्च को हल्का सा सॉफ्ट कर लिया है। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे टमाटर। तो यहाँ पे हमने 4 टमाटर को स्लाइस में काट रखा है। इसे बारीक काटने की जरूरत नहीं होती है, केवल हमें इसे पकाना होता है हल्का सा चटनी के लिए। जब हमने टमाटर डाल दिया है तो फटाफट इसमें नमक भी डाल देंगे। तो नमक यहाँ पे हम स्वाद के अनुसार डालेंगे, क्योंकि टमाटर की चटनी जो है गलने के बाद थोड़ा सा उसकी क्वांटिटी कम होती है, तो ये बात ध्यान में रख के हम नमक डालेंगे। थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, और कलरफुल बनाने के लिए थोड़ा सा हल्दी डालेंगे। सारे मसाले के साथ हम टमाटर को करीबन 2 से 3 मिनट तक सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। आप देख सकते हैं अपना टमाटर, प्याज, लहसुन सब सॉफ्ट हो चुका है। तो ये फाइनली अपनी टमाटर प्याज की चटनी बनाने के लिए हमने फ्राई कर लिया है टमाटर प्याज को। हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देंगे, फिर हम इसे आपको पीस के दिखाएंगे। आप देख सकते हैं अपनी टमाटर प्याज जो हमने फ्राई किया था वो नॉर्मल ठंडा हो चुका है, यानी कि हम कढ़ाई को अच्छे से हाथ से छू सकते हैं। अब हम इसे एक मिक्सर जार में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे चटनी वाला जार लिया है और चम्मच की मदद से हम इसमें भर लेंगे। तो चलिए हम इसे पीस के आपको दिखा देते हैं। हमने तो हम ऐसे इसे ब्लेंड कर आपको दिखा दे रही हूँ कितना बढ़िया अपनी चटनी तैयार हुई है। तो किनारे पे जो बचा है उसे हम इस ब्लेड से थोड़ा सा ऐसे मिक्स कर लेंगे और एक बार और हम मिक्सर चला लेंगे, तो अपनी चटनी जो है अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो हम ढक्कन लगा के एक बार और चला ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया अपनी टमाटर और प्याज की चटनी तैयार हुई है। तो चलिए हम इसे बॉल में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया टमाटर प्याज की चटनी कितनी जल्दी और कितनी टेस्टी बनके तैयार हो गई। इसे आप चाहें तो पकौड़ा के साथ, समोसा के साथ, इडली के साथ या रोटी चपाती के साथ खाइए। ये हर जगह सेट हो जाने वाला चटनी है और टेस्ट का तो क्या कहना। तो फ्रेंड्स, इस चटनी को आप भी बनाइए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।